तो नमस्ते सत्सरकाल बहनों भाइयों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं इतने दिनों बाद हेवनली बॉडीज। तो जैसे कि आपको पिछले एपिसोड में याद होगा, हमने ये वाला मिशन करा था जो सनलाइट वाला है, तो आज हम डाटा वाला करेंगे। उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना होगा, तो अभी तो फीड इस्टेब्लिश हो रही है, इस्टेब्लिशिंग हो रहा है आई थिंक। सो इसमें हमें एंटीनास का जो डेटा है, जो सारा स्पेस का डेटा है, वो हमें अर्थ गया तो ग्राउंड लेवल पर पहुँचाना है। तो हमें सारे एंटीनास फिक्स करने होंगे, तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि एक तो ये गेम बड़ी मीन्स इरिटेटिंग टाइप है, जैसे इसमें जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे बंदा है ये ऑरेंज कलर का, जो पता नहीं कैसा सा है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के बैठा हुआ है। तो पहले तो ऑपरेशन मैनुअल देख लेते हैं, इसमें क्या है, कैलिब्रेट एंटीना 1 2 3 4 यही लिखा हुआ है, और इसमें मैप बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो बंद करते हैं इसको और अब आगे देखते हैं। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो बंदा थोड़ा सा हिला हुआ, ठीक है, तो इसको बस हमें किसी तरह कंट्रोल करना, और वही कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ना पीएस के कंट्रोल से होता नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं। ये देखो इसको चलाना ही बड़ा मुश्किल है, और वही ये देखो अब सिलेंडर पकड़ लिया इसने, इसको कोई तुक बनता है मीन्स इस गेम का, कि जो इसने सिलेंडर भी पकड़ लिया, सिलेंडर मैंने पकड़ने के लिए बोला था। चलो पहले ये वाली इस वाले एंटीना को कैलिब्रेट करते हैं। यार एक तो इसमें तार जोड़ना बड़ा मुश्किल है, पहले पकड़ लेता हूँ मैं एक जगह को। अरे 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 अरे, आराम से आराम, मैं रेड वाली ब्लू में जोड़ रहा हूँ, पर रेड वाली रेड में ही जोड़नी है, मैं भी अलग ही थोड़ा सा हूँ ना, क्या कर सकते हैं किसी। ए येलो ब्लू वाली तो मेरे पता नहीं कैसे तुक्के से लग गई, रेड वाली नहीं लग रही यार, ये बड़ी परेशान कर रही है। पूरी कोशिश तो रहेगी, और ये हो गई है फाइनली कनेक्टेड वाली, तो पर इसमें अभी भी सिग्नल नहीं आया टीवी में, पता नहीं क्यों। ये आई थिंक सो ये हैंडल दिया हुआ है हमें, एंटीना को थोड़ा सा अर्थ की तरफ करना पड़ेगा। हाँ ये ब्लू ब्लू कुछ तो भर रहा है उस टीवी में, नहीं 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 हाँ अब भरता हूँ थोड़ा सा और ये ब्लू वाला भर रहा है। हाँ हाँ बढ़ने दे बढ़ने दे। अरे यार क्यों हो गया यार, मैंने थूक इतना कर लिया था, वो हिल गया मेरे से। हाँ बस 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 अब हो गया भाई, अब नहीं अभी ज़्यादा हो गया अब। अरे यार ये भी परेशानी है इसकी, यही तो मुझे परेशानी लगती है बस। रुक जाओ इसको फिर से देखते हैं, थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं। अरे नहीं यार ये तो इतना एक तो पता नहीं क्यों ये स्पेस में ऐसे होता है इतना, मीन्स ग्रेविटी ठीक है नहीं होती, पर इतना ऐसे होता ही होगा क्या पता, क्योंकि इन्होंने लिखा था अपने ट्रेलर में रियल लाइफ स्पेस सिम्युलेटर एक तरह से, तो क्या पता होता ही हो। तो उसको फिर से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं और देखते कि ये जब चलती है नहीं चलता। ओके ओके टेढ़ा हो रहा है 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 हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। अरे यार हाँ हो गया हो गया हो गया, बस अब इस पर छोड़ देता हूँ मैं, अब हो जा भाई। अगर अब नहीं हुआ ना ये, हो गया फाइनली कैलिब्रेट हो गया हमारा एंटीना वन, कम्प्लीटेड कम्प्लीट कैलिब्रेटेड एंटीना वन हो गया भाई। अब हमें कुछ नहीं है, अभी ब्लू वाली तार हमें शायद से निकालनी है, ओपन मैनुअल। हाँ ये ब्लू इसका ये जो टीवी है हमें ऊपर शायद से लेके जाना है, क्योंकि इसका वो पूरी रॉड लगी हुई है ना इसको मूव करने वाली। यार मुझे इसका ना मूवमेंट नहीं समझ आ रहा कि कैसे करूँगा इसकी मूवमेंट, ये मुझे समझ नहीं आ रहा इसको ऊपर कैसे लेके जाऊँ। ये है तो साइड वाले डंडे जो दिए हुए हैं इनसे ऊपर लेके जाना है, पर ये जो है साइड वाले डंडे यहाँ तक तो मैं घुस ही नहीं पाऊँगा, इतना तो मैं पतला हूँ ही नहीं इसमें गेम में, घुसूंगा कैसे यार, ये तो घुस ही नहीं पा रहा मैं। हाँ अब हो रहा है। अच्छा ये दीवार को पकड़ पकड़ के साइड पे इसको सपोर्ट कैसे कर लेके जाना है। ओके ओके तो अब कहाँ पे लेके जाऊँगा। अच्छा अब उस साइड आई थिंक सो या तो चला जाता हूँ मैं, ताकि फिर उस पर। अरे नहीं 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 नीचे नहीं नीचे नहीं नीचे नहीं नीचे नहीं। हाँ 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 ठीक है ऊपर 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 हाँ ऊपर हो जाओ ऊपर हो जाओ। अरे यार अटक गया बीच में, थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सा और ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा और हो जाए यार, मैं साइड से निकल सकता नहीं, मैं उस साइड पे तो जा सकता हूँ, पर उस साइड तार लगी हुई है, उस साइड मुझे लग नहीं रहा कि तार से हो गया है, इसलिए मुझे उस पर वो नहीं है इतना विश्वास। तो हो गया, मैं इस वाली साइड से ट्राई तो करता हूँ, मुझे लग नहीं रहा है यहाँ से होगा, पर वो हो रहा है। अच्छा फिर तो ठीक है, चलो फिर यहीं से ऊपर तक लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या क्या कनेक्शन हमें और करने हैं, और
एंटीनास को कैसे फिक्स करना है तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो पहले ऊपर चलते हैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके। अच्छा ये गेट था, मतलब दीवार थी आई थिंक सो। इसको वहाँ से बाहर से एक बार खोल के वो करना पड़ेगा, इसको पूरे सैटेलाइट को इस साइड लाना पड़ेगा इस वाले बॉक्स की उससे हेल्प से, क्योंकि इसमें एक लीवर दिया हुआ है अगर आप देख सकते हैं आगे, तो उसको हमें करना पड़ेगा ठीक, और फिर हमें इनको कनेक्ट वनेक्ट करके ये एंटीना को ठीक करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो ये थोड़ा सा आसान वैसे हम मेरे लिए तो नहीं रहेगा, बोलने के लिए तो रह गई। तो ठीक है, पहले तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ ताकि हम वो लीवर करके उसको कर पाएँ सीधा पूरे सैटेलाइट को, ताकि हम फिर आगे भी लेके जा सकें जो आगे वाले वो होंगे। तो ठीक है, पहले अब इसको तो अनलॉक कर दिया, वापस अंदर चलते हैं और ये आराम से हम अंदर आ गए। बहुत ही मीन्स एक सेटिस्फाइंग तरीके से हम अंदर आ गए, और मैंने वो ब्लू वाली तार भी कनेक्ट कर दी थी। तो बस अब हमें और तो कुछ नहीं करना, बस इस लीवर को ठीक करना है पहले तो, और फिर ये वाला सैटेलाइट हमें ठीक थोड़ा सा करना है। और वैसे तो ये अभी भी हम कर ही सकते हैं, पर पहले मैं ये वाली जो रेड वाली तार है ये भी कनेक्ट करना चाहूँगा, तो पहले वो देख लेते हैं। और पहले लीवर के पास अब किसी तरह पहुँच जाऊँ मैं, क्योंकि बार बार अब लीवर से ही दूर हो रहा हूँ मैं। तो पहले लीवर की तरफ पहुँच जाऊँ, फिर मैं करता हूँ थोड़ा सा पहले, फिर सैटेलाइट को हम वो ठीक करेंगे और फिर जो सब कुछ करना है। ओके ओके ओके, अरे 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 बहुत मुश्किल हो रहा है यार ये तो। हाँ बस पकड़ लिया, अब बस हो जाएगी आराम से। नहीं 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 नहीं, दूसरी जगह क्यों जा रहा है, दूसरी जगह चुप जाता है ऐसी रहे भाई, तो एस्ट्रोनॉट बहुत हिलता है कुछ भी बोलो। ओके तो बस अटैच हो जाएगा अभी, आई थिंक सो वायर तो खुद ही अटैच हो जाए, काश अटैच हो जाए, अगर ऐसा हो गया भाई मज़ा। नहीं नहीं हुई अटैच, खुद ही अटैच रहती। चलो देखता हूँ अब क्या करना है। ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ पहले सैटेलाइट का ही कर ले, तो पर थोड़ी सी मैं इसका करने की सोचता हूँ वायर का। भाई तू नीचे आ जा यार, तेरा एक तो बड़ा वो है। ओके तो वायर के पास पहुंच गया मैं, और इसको मैंने ऊपर धकेल तो दिया था, पर ये नीचे आ गई वापस पता नहीं क्यों। हाँ ओ भाई सब क्या कनेक्ट हुई है वायर ये। चलो अब हमें इस वाले सैटेलाइट के पास चलते हैं हम, और अब इसको करते हैं जो भी करना है हमें ठीक विक। बस कैलिब्रेट हो जाए यार, ये वाला आसानी से हो जाना चाहिए। कहाँ घूम रहा है भाई, चल ले यार, घूमता जा रहा है अपना। अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, शुक्र है कैलिब्रेट हो रहा है धीरे धीरे। पहले तो ये हिल ही नहीं रहा था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, फिर मैं नीचे जाके एक ऑप्ट ऑन करना था, वो वाला कट गया सीन, तो अब वो हिलना स्टार्ट हुआ। ये लॉक पोजीशन में था, तो मैंने सैटेलाइट तो हिला के मैंने किसी तरफ कर दिया है, और ये अपनी पोजीशन पर ले आया हूँ। ओके तो इसमें स्टार्ट हो गया, और इसमें वो ब्लू ब्लू वाला भरना भी स्टार्ट हो चुका है, तो बस ये भर जाए और फिर हम आगे चलते हैं। ओके तो फाइनली हमारा कैलिब्रेट हो चुका है एंटीना 2 भी, यस फाइनली हमारा एंटीना 2 भी कैलिब्रेट हो गया। तो अब हम एंटीना 3 की तरफ चलेंगे, उसको कैलिब्रेट करना है, और बस फिर अब यहीं से निकलने का मुझे बड़ा वो लग रहा है कैसे निकलूँगा। ओके तो मैं निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, और ये मैं निकल भी गया हूँ फाइनली। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले ये वाली तार ही ठीक कर दूँ, या अपना ये बॉक्स जो है उसको आगे लेके जाने की करूँ। तो ऑब्जेक्टिव हमने उसमें कंप्लीट कर दिया टास्क, तो पहले तो अब ये वायर ये वाली अपनी छुटवा लेते हैं। और ये छूट गई है हमारी ये वायर जो हमें स्पेस में लगातार रख रही थी, तो ठीक है अब हम आगे चलते हैं, और ये वाली वायर को डीअटैच कर देता हूँ मैं एक्स से। चलो अब हम ये वाले गेट से अंदर घुस जाते हैं, आप गेट तो देख ही पा रहे हो, यहीं से अंदर घुसते हैं और फिर हम वो अपने बॉक्स को आगे लेके चलते हैं, और आगे वाले एंटीनास फिक्स करते हैं। और वो मुझे नहीं अब समझ आ रहा उसमें फ़िक्स करने में कितनी देर लगेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला एंटीना है वो तो अभी रहता है सबसे ज़्यादा ही, तो वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो वाला कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम अंदर तो आ गए हैं, अंदर चल ले अब। हाँ चल चल चल, बस आ गए हम अंदर इतना। पर ये गेट भी बंद करना पड़ता, तो आई थिंक सो गेट भी बंद करना ही पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ता। अच्छा नहीं तो क्योंकि कभी कभी होता है गेट ना बंद करो तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए।
पहले तो वो केबल भी तो निकालनी पड़ेगी यार, वही तो प्रॉब्लम है, वो भूल ही गया, मुझे लगा ऐसे ही लेके चलेंगे। ऐसे करूँ मैं कि इसको खींचूँ और फिर वो अगर निकल जाए, ऐसे ऐसे हो सकता है क्या? पता नहीं, होगा ही नहीं, छोड़ो। ऐसी तार अपना निकालते हैं, चलो यहाँ से। अबे ऊपर चल ले तू। बस इसको पकड़ लिया हमने और अब बस ये हाथ में आ जाए ब्लू वाली तार। ये ना बड़े इरिटेटिंग है यार, ये अब देखो हाथ में आ गई तार, अच्छा निकल गई, चलो। बड़ी मुश्किल होती है यार ये तार निकालना। चलो ऊपर लेके चलते हैं इसको, पर अब ऊपर लेके जाना अब सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा आप ऊपर कैसे लेके जाएं। ओके, तो पहले हमने ये लीवर पकड़ लिया, अब हमने साइड पे जगह मिल गई, तो अब इसको लेके चलते हैं धीरे धीरे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू ऐसे ही चल। हाँ बस थोड़ा सा और आगे चल जा, थोड़ा सा और चल 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 चल। हाँ चल 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 चल। अबे चल ना, अबे यार जगह ही नहीं है यार, अब कहाँ से लेके जाऊँ इसको। केबल आ जा मेरे हाथ में। अबे यार केबल तो नहीं आ रही हाथ में, वो ब्लू वाली लग गई बस, वो लग जा, अरे लग जाती यार। हाँ चलो ऊपर लेके इसको, थोड़ा सा और इसको, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर भाई, थोड़ा सा। हाँ बस ये आ गया। ब्लू वाली केबल पहले अटैच कर देते हैं इसके अंदर, ताकि उसमें थोड़ी सी पावर तो आ ही जाए। और ये कनेक्ट हो गई। चलो अब पहले ये वाला बाहर वाले एंटीना ठीक करते हैं, फिर इसको मैं आगे वाले को चेक करूँगा। जो आगे का रास्ता है यार, अब यहाँ से निकल नहीं पा रहा मैं। हाँ चलो निकल गया। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो कोई सपोर्ट भी नहीं है ना कुछ है भाई साहब। ये तो यार एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत गलत जगह यार, क्योंकि ये बहुत गलत जगह है यार। यहाँ पे ना वो है सपोर्ट कोई यार, ना कुछ। हम तो ऐसे स्पेस में बिल्कुल घूम भी सकते हैं, अगर लोकेशन हम बाई चांस भूल गए। ठीक है, ये देखो अब जैसे हम जा रहे हैं एकदम से और लोकेशन भूल गए, ये तो भाई साहब हम घूम जाएंगे ऐसे भाई। यहाँ पे थोड़ा सा वो रहना पड़ेगा, पर वो जो केबल है वहाँ पे वो भी बहुत छोटी है, वो यहाँ तक आएगी नहीं। अबे यार यही प्रॉब्लम बस रहती है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट तो कर दिया है, अब क्या करना है? अभी तक हुआ नहीं। अरे यार अब इसको आई थिंक सो वो एंटीना जो ही लगा हुआ है इसको ऊपर करना है। अब इसको ऊपर कैसे करूँगा मैं? हाँ दोनों हाथों का यूज़ करके मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर अपने दूसरे हाथ से ऊपर वाले को पकड़ता हूँ और फिर अपने पहले वाले हाथ से इसको नीचे से पुल आउट करता हूँ किसी तरह, ताकि वो निकले एंटीना का ये ऊपर वाला, पर ये निकल ही नहीं रहे देखो। हाँ तो लो अब इसको ऐसे करके करता हूँ। नहीं उड़ा रहे, नहीं नहीं नहीं, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है भाई 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 भाई, भाई एस्ट्रोनॉट। अरे 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 अरे, ये तो बहुत पीछे आ गया, चलो आगे आगे चल जल्दी से। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो अब आगे जा रहा हूँ। अरे अरे भाई 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 यार, इसको कंट्रोल करना है यार, बड़ा मुश्किल है यार। ओके ओके, तो हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और ये पकड़ लिया हमने एंटीना। ओके, तो अब इसको करता हूँ मैं बाहर, पहले इसको अपने दूसरे पहले वाले उस वाले उस साइड वाले हार्ट को मैं करता हूँ। हाँ ये निकल गया है। ओके, तो उसमें आप रीडिंग दे सकते हो टीवी में, जो हमने जिसके यहाँ ब्लू केबल जिसकी कनेक्ट और हम जिसको मूव कर रहे हैं तब से नीचे से लेके ऊपर तक उसकी, देखो अब वो ब्लू हो चुका है। अब हमें हाँ थोड़ा सा बस और रखना है और प्लीज़ हो जा। हो गया फाइनली हमारा कैलिब्रेट हो चुका है एंटीना 3, और अब हम जाएंगे फाइनल एंटीना जो कि है एंटीना 4, और उसमें बस अब वो होगा सारा, जो इतना जो टाइम लगेगा ना वो मुझे पता है कितना लगेगा, क्योंकि उस वो मैंने एक बार करा हुआ है मिशन ये वाला, तो मैंने उसमें देखा था तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अरे यार इसकी मुझे ना पहले ये येलो वाली चीज़ खोलनी थी, फिर मुझे ये वाला इधर बुलाना था, पर ये मैंने गलती कर दी। तो अब पहले मैं येलो वाली चीज़ खोल देता हूँ और फिर मैं इसको वापस भेज के उस साइड, फिर वापस मुझे इस साइड लाना पड़ेगा, तब ये जो चीज़ें सारी ऊपर चली जाएंगी और वो कनेक्ट हो जाएंगी एक साथ ही, तो वो इसलिए ये मैं बेनिफिशियल होता है कि ये चीज़, तो इसलिए मैं पहले ये कर लेता हूँ। पहले लीवर भी तो अभी दर हुए। अरे भाई भाई भाई, पकड़ ले। एक मिनट, बस चलो अब एंटीना के पास पहुँच गए। अब किसी तरह इसको मैं पहले ऊपर कैसे करूँ?
इतनी अभी मुश्किल से हुआ था, पता नहीं कैसे करूँ। हाँ हो जा, इस साइड हो, इस साइड हो। हाँ हो गया, बीच में हो गया, अब इस साइड हो जा, हो जा हो जा हो जा, थोड़ा सा। हाँ बस, तो मतलब उस साइड हो जा पहले पूरा, होने तो उसको बुला, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, तो वो हो रहा है एंटीना उस साइड, और बस बस बस। अरे अरे अरे, तू कहाँ जा रहा है भाई एस्ट्रोनॉट? ओए 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 ओ संकी। हाँ बस वापस आ गया। मैंने कहा फिर अभी उड़ता हुआ कहीं चला जाता, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैं ना हरकतें करने में ना इस गेम में हरकतें करने में सबसे ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो पहुँच चुके हैं अब, और ये अब हम लीवर को इस सेट करते हैं वापस। चलो अब होएगा नहीं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाला सब आसान हो गया। हाँ बीच में हो रहा है ना ये बहुत आराम से, क्योंकि तो इसलिए इसमें भी हो जाएगा। चलो हो गया, अब वो भाई तू भी आ जा आगे। लेकिन यार इसका ना एक ऑटोमेटिक स्विच रखना चाहिए था यार, कि उसको दबाओ और ये आगे आ जाए। इसको ना ऐसे करना बड़ा मुश्किल है यार। चल अब ये रेड केबल को पहले कनेक्ट कर लेते हैं, फिर अपनी सारी केबल्स को मैंने डी अटैच करके अब आगे। मैंने अब आपको थोड़ा सा स्किप कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा अब इरिटेटिंग पार्ट होता, तो उसमें मैं कमेंट्री ना कर पाता। तो अब ये डंडा भाई सही मिल गया, इसको हम ऐसे ऐसे करके इसको मूव करते हैं। ओके, तो पकड़ लिया मैंने, अब ऐसा करो, ये सही है भाई, ये सही सपोर्ट है। ओके आगे आ गए हम, आगे आ गए, आगे आ गए। ये आप ये येल्लो वाली दो चीज़ें देख रहे हो, ये पहले कितना नीचे थे और अब कितना ऊपर आ गए। वो उसकी जब सेफ्टी नॉट खोल दी तभी उसकी वजह से ये इतनी जल्दी ऊपर आ गए। ओके, तो फाइनली हम ऊपर, फाइनली हम लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमें अपना सबसे बड़ा एंटीना करना है फाइनलाइज, और उसको करेक्ट करना है किसी भी तरह हालत में। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं अब हम। और इसको मैंने कनेक्ट करने की कोशिश एक करी थी, पर वो नहीं हो पाया। अरे यार आराम से हो जाता अगर मैं करता तो, पर मैं अच्छी तरह कर ही नहीं पाया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे कनेक्ट करूँ, ना इसमें ऊपर जाने की जगह है ना नीचे जाने की जगह है, अलग ही इनकी भी वो पंक्तियाँ चलती रहती हैं। ओके प्लीज़ खुद कनेक्ट हो जाए यार, थोड़ा सा खुद कर लो यार, इतनी तो ग्रेविटी सपोर्ट कर दे भाई हमारी। ठीक है, हमने भी थोड़ा बहुत ग्रेविटी के बारे में तो पढ़ा ही है। मत कनेक्ट हुई है ना, हो जा हो जा हो जा हो जा। देखा नहीं हो रहा ना, बदतमीज पूरा है ये। ऐसा थोड़ा ना, इस गेम का नाम है विल मी बॉडी से। ओके, तो फाइनली कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, मीन्स ये वाला वायर वाला। तो अब बाहर जाके मुझे तो ये एंटीना नहीं समझ आ रहा मैं कैसे हिलाऊंगा। चलो अब देखते हैं कैसे करते हैं। वैसे वायर मुझे लग नहीं रहा, मैं एक बारी पहन के देख लेता हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा कि ये इतना दूर पहुँच पाएगी वायर। पहनते हैं पहले इसको, तो यहाँ पे अटैच कर लिया हमने। अब पहले इसको मैं हिलाऊँ कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा यार। वायर नहीं खींचने भाई, अगर वायर खींचती ना फिर और उसको वो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे करने में बड़ा मुश्किल होता। मुझे नहीं, ये नहीं जाएगी वायर, या मैं वो उतारनी पड़ेगी, या मैं थोड़ी सी सेफ्टी दे वैसे सकती है, पर इन्होंने वो प्रोविजन ही नहीं रखा। अगर वो होगी नहीं उसमें, वहाँ तक जाएगी नहीं, तो फिर फ़ायदा ही क्या। अरे यार कहाँ चला गया, स्पेशली शुक्र है पहुँच गया। पकड़ लेता हूँ मैं पहले तो, हो जा थोड़ा सा टेढ़ा, हो जा थोड़ा सा। हाँ अब इसको पकड़ता हूँ, इस पूरे को एक साथ करता हूँ कोशिश। हाँ पूरा पहले इस साइड कर लेता हूँ, पहले बीच में रख के पहले इस साइड ही पूरा कर लेता हूँ, और फिर मैं वो उसको मूव कर लूँगा। ठीक है, तो ये पहले पूरा इस साइड हो चुका है। चलो
अब हम करते हैं इस वाले एंटीना को सबसे ज़्यादा आगे। ये सबसे बड़ा वाला एंटीना भी है तो इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा आसान होगा या मुश्किल होगा। पहले ये सबसे नीचे वाले को करते हैं। ओके तो ये ऊपर हो गया, अब इसके ऊपर वाले को करते हैं। हो जा, हाँ हो जा हो जा हो जा हो जा। अच्छा तो अब ये एंटीना की ये वाली पोजीशन नहीं रखनी, तो हमें उस पोजीशन में करना पड़ेगा एंटीना को, ताकि उसमें ब्लू होके वो फिल हो जाए और फिर हमारे सारे नेटवर्क डायरेक्टली क्राउड तक पहुंच पाएँ। तो उसको हिलाने में ही अब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो चलो करते हैं पहले एफर्ट्स। अब लगाते हैं अपने, थोड़े बहुत तो लगाने ही पड़ेंगे, क्या ही कर सकते हैं, अब गेम खेल रहे हैं तो उसमें एफर्ट्स तो लगाएंगे और फिर डालनी भी है। पर अब मैं ना इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं छोड़ा ना मैं फिर से उस साइड चला जाऊँगा, और उस स्पेस में घूमने वाला ना बड़ा गंदा लगता है जब कुछ ना हो ना आसपास और सिर्फ काला स्पेस हो तो ना बड़ा अजीब सा लगता है। ओके तो एंटीना थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, ऐसे से मैंने थोड़ा तो मूव कर लिया। मैं ना मुझे वो टीवी नहीं दिख रहा अच्छी तरह, मेरे वो उससे रडार से बाहर चला गया, पता नहीं। मैं कोई बटन दबा के देखता हूँ क्या करूँ, मुझे टीवी भी दिखना स्टार्ट हो जाए। मैं थोड़ा सा पास जाता हूँ पहले तो। ओके यार टीवी नहीं दिख रहा है यार मुझे समझ नहीं। अच्छा ये रहा, अच्छा इस बटन से हमें दबा के देख सकता है। तो पहले थोड़ा सा मूव कर लेते हैं एंटीना को, अभी मैं वो बटन छोड़ देता हूँ, मुझे पता चल गया बटन कौन सा है। तो पहले तो एंटीना को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और फिर मैं देखता हूँ वो टीवी में। अरे यार मूव हो जा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, कहाँ जाते जा रहा, कहाँ जाते जा रहा भाई, कहाँ जाते। अरे 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 ये ठीक कुछ चमक तो, अरे इससे कुछ होगा क्या, पकड़ो उसको। टेक द हिडन कलेक्टर्स बैक टू कॉम टर्मिनल, क्यों लेके जाऊँ भाई मैं। अबे जा ओपन मेनू। अच्छा ये एक्स्ट्रा चैलेंजेस मैं अभी नहीं कर रहा, अभी पहले मुझे अपने ये वाला मिशन करने दो। अरे यार मुश्किल हो रहा है इसको हिलाना। अब इस साइड पहले मैंने इस साइड तो कर दिया, अब इसको अब ये इस साइड हो नहीं रहा वापस। पहले यार मैंने आसानी से हिला तो दिया था इसको, अभी क्यों नहीं हो रहा। हाँ हो जा हो जा हो जा, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बस इस पे छोड़ दें, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, हो जा हो जा हो जा। फाइनली भाई फाइनली हमारा हो चुका है यार, फाइनली लास्ट टावर भी हो गया और ये पूरा एंटीलिया खड़ा हो चुका है स्पेस में, और ये फाइनली हो गया हमारा। और मुझे बहुत ज़्यादा भाई खुशी हो रही है, जो अंदर से वो आ रही है ना फीलिंग से, जो भाई वो बड़ा मज़ा आ रहा है यार कि ये इतना मुश्किल मिशन हमने कर चुके हैं फाइनली। तो अब हम जल्दी से पहले तो चलते हैं, इसको छोड़ो भाड़ में जाने दो, इस वाले कलेक्टेबल को मैंने पकड़ा हुआ है पर इसको छोड़ता हूँ मैं अब और भाड़ में जाने दे। अब हम चलते हैं सीधा उसके अंदर और जाते हैं और फिर अब इंजॉय करेंगे, और जो अगला मिशन होगा उसको हम अगले एपिसोड में ही करेंगे, वो ऑब्वियस बात है वो तो। चलो अब हम जा रहे हैं वापस, सब कुछ सेट वेट हो चुका है, कनेक्शंस। अब इस टीवी को तो हमें वापस लेके जाने की कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं है, वैसे भी हमें सिर्फ अब कमांड देना है वहाँ पे जाके कि हमने हाँ कर दिया है ऑपरेशन अपना सक्सेसफुल। तो चलो अंदर चलते हैं वापस। अरे यार कितना गंदा अंदर गया हूँ मैं, मीन्स गया भी नहीं, जाने की कोशिश कितनी गंदी थी मेरी अंदर जाने की। चलो चलते हैं और ये अंदर आ गए। चल अब बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, अब तो कोई मुड़ना वुड़ना भी नहीं है, तो अब सीधा स्ट्रेट चलते हैं। और अब उनको छोड़ो टीवी वी को, क्योंकि अब मैं मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि जितना अब ऊपर लाया अब उतना ही वो करूं। चलो चलें चलो चलें अपने कमांडर से बात करें, ऐसे कमांडर बड़ा वो है। अब यह आज चीज़ चार टीवी आ रहे हैं ना, आप इनमें भी देख सकते हो, पहले इसमें कुछ नहीं आ रहा था, 1 2 3 4 लिखा हुआ था, पर अब इसमें चारों जगह के वो आ रहे हैं, तो मीन्स हमारा मिशन सच में सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये इंटरकॉम पे बात करते हैं, मीन्स वैसे है तो वॉकी टॉकी पर इसको इन्होंने इंटरकॉम का वो दिया हुआ, मुझे नहीं समझ आया क्यों। तो ठीक है यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं और देखते हैं हमारा कितने मिनट में हुआ है।
ओके तो हमारा डाटा मिशन रिपोर्ट जो है, जो सेकंड हमारा मिशन था वो 28 मिनट और 19 सेकंड में हुआ है। वैसे तो वीडियो तो सिर्फ 25 मिनट की है, पर वो मैंने फोर से बीच में क्लिपिंग्स काटी भी थी तो इसलिए वो 28 मिनट की हुई है, तो ठीक है उसके हिसाब से। तो फिर आज के लिए तो उस हिसाब से सही है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बी हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।